जी आपका नाम क्या है? गुलाबसान। अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड को पुलिस यहाँ से उठा कर ले गई? इंसाफ चाहिए मो तो मेरा आप उससे कोर्ट मैरिज करी मो पे कोई दबाव ना मो पे मेरे जीजाजी का दबाव वो सलीम का उसने मेरा मारना का धमकी भी दी ही उन्हें मेरा घर वाला का लाठी वाठी छोड़ी अपने टेंट वेंट मो लाठी भी दी है। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ दुश्मन हम से वहाँ दुश्मन आई शादी हमारे कोई दुश्मन ही नहीं कहीं से। अच्छा अच्छा, तो उसने मेरे यहाँ से पकड़ के उन्होंने धक्का मार दिया। अच्छा, अच्छा। फिर मैं धक्का मार के घा को कर दी, फिर उन्हें कब्जा पड़गा जब घर में बड़ा है बाड़ा ने पकड़ के छोरा के यहाँ मार पीट करिए छोरा के दरवाजे में। अच्छा अच्छा, फिर आंगन में ले आए हैं, फिर आंगन में से मारते मारते वहाँ तक ले गए, फिर मैं दोबारा जैसे मैं छूट के भागी हूँ लोगों की छोरा मेरे धक्का मार के भागा है, फिर उन्होंने गाड़ी में पटक दिया छोरा। अच्छा जी अच्छा, आप भी इस वक्त यहीं पर मौजूद था? मैं अच्छा, यहाँ लौट रहा हूँ बरामदे में, छोटे लड़के का मकान है। अच्छा जी, ये बड़ा है मेरा। जी जी, ये मेरी घरवाली यहाँ खड़ी है, ये यहाँ तौलिया सूख रहा। जी जी, पहले इतने मैंने कहा मैंने झड़बाड़ के आपस में लड़ रहे हैं ये। जी, जब मैं देख रहे मेरे से पुलिस वाले बोले सूदे वहाँ ही रहना न गोली मार देंगे, तीन फायर करें या दाग में। अच्छा अच्छा, किस लिए ले गए थे? आखिर कोई वजह भी तो होगी पुलिस वाले जो आपके लड़के को ले गए थे। कोई वजह ही ना है, इसी शादी की वजह छेड़छाड़ी करके। भाई मेरे लड़के ने कोर्ट मैरिज किया है उससे, या मैं रिंजस पड़ोसियों के दुख पैदा है उनके साड़े, उसकी साड़िया है एक हमारे पड़ोस की। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पर बर्दाश्त नहीं हो रही उनकी, सब उनकी सेटिंग होकर है नहीं, ये मेरा लड़का जब फंसाया गया। अच्छा, आपका जो लड़का है जिसको पुलिस ले गई, इसने कोर्ट मैरिज की थी? कोर्ट मैरिज की है। अच्छा, वो लड़की यहाँ की साड़िया थी? हाँ, यहाँ की साड़िया। अच्छा, उन लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी? परिवार में से वो साड़िया जिसकी। अच्छा, उन लोगों को अच्छी नहीं लगी ये चीज? हाँ, उनको अच्छी नहीं लगी, तीन बार झगड़ा करा पहले भी उनने। अच्छा, वो लोग फंसा रहे इसके नाम की लगी पड़ी है थाने में। अच्छा अच्छा, इस लड़की के नाम से, उससे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक उस दरखास्त पे। ठीक, आपके हस्बैंड को पुलिस यहाँ से उठा कर ले गई? इंसाफ चाहिए मो तो मैंने आप उससे कोर्ट मैरिज करी मो पे कोई दबाव ना मो पे मेरे जीजाजी का दबाव वो सलीम का उसने मेरा मारना का धमकी भी दी ही उन्हें मेरा घर वाला का लाठी वाठी छोड़ी अपने टेंट वेंट मो लाठी भी दी है। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ दुश्मन हम से वहाँ दुश्मन आई शादी हमारे कोई दुश्मन ही नहीं कहीं से वहाँ हमसे दुश्मन आई शादी। अच्छा, दुश्मनी क्यों साध रहे हैं वो लोग? वह दुश्मनी ये साध रहे वो मोहिन रहना में राजी ना है। अच्छा अच्छा, ये दुश्मन आई साध रहे वो राजी ना है रहना, मेरे माँ बाप कुछ नहीं कहे तो उन्होंने कुछ। अच्छा, इस गाँव में आपकी दूसरी बहन भी है की मेरी बहन? अच्छा, जो आपका जीजा है वो इस बात से खुश नहीं है की आपने कोर्ट मैरिज की है? खुश ना है वो। अच्छा अच्छा, इसलिए वो पुलिस से मिलकर कर रहा है? उन्हें पुलिस से मिलकर जब मेरे घर वाला उठाया घर मैं सर रात के 4 बजे। अच्छा अच्छा, पुलिस आई थी तो आपने रोल मचाई थी, आवाज मचाई थी? अच्छा अच्छा, रोल मचाई ही जब पुलिस वाला मुंह घेर के खड़ा होगा, इतने मेरे सास घेर खड़ा होगा, फिर मैं सास का धक्का दिया पुलिस वाला ने। अच्छा अच्छा, ये नुकनी गिर गई ही। अच्छा अच्छा, जब पुलिस वाला ये कहे रोल ना मचाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप क्या चाहती हो यहाँ की प्रशासन से? हम ये चाहते है मेरे घर वाला जा वहाँ पे नाजायज मुकदमा लगवाए है हिनी कान ने जिन मुखबरी करी है और उठवा दियो रात 4 बजे। अच्छा, इंसाफ चाहिए। अच्छा अच्छा, इंसाफ। अच्छा, जो आपके घर जो आपके माता पिता है वो क्या चाहते, वो आपसे खुश है या फिर नाराज? खुश से मौस होता। अच्छा अच्छा, वो कुछ नहीं कहते इस बात में? खुश है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कुछ नहीं कहते अब तक भी? अच्छा अच्छा अच्छा, चल लगभग 4 बजे करीब। 4 बजे अचानक पुलिस ने वारदात करी अवैध बस से, यहाँ के चढ़े हैं या फिर पीछे से छत गिरी, सामने से रास्ते से गाड़ी आई, यहाँ से 8-10 चार के वार्ड में लात मारी सीधे। आपके लड़के पे कोई केस था पहले? नहीं जी, पहला कोई मुकदमा नहीं था, लेना देना नहीं जी यहाँ से, नहीं जी ऐसा कोई मुकदमा नहीं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा पुलिस ने किस जुर्म में अरेस्ट किया है, क्या कहती है पुलिस, किस लिए अरेस्ट किया गया है उसको? पुलिस ये कह रही है जी हमने ना उसको कोई डंपर वगैरह केस में उठाया है, लेकिन पुलिस ने मारपीट कर दी उससे कुछ नहीं है। मुखबरी करके फंसाया गया जिसने उठाया वो नाजायज उठाया, पुलिस ने तीन फायर करे, जब तीन फायर अगर पुलिस ने तीन फायर करे थे जी यहाँ पे। अच्छा, भाग ले गए जी, किवाड़ तोड़ दे, देखिए किवाड़ दिख रहा सामने जी। अच्छा अच्छा, ये इसमें लात मारी, यहाँ कब्जा जो पाट दे, इसके घरवाड़ी के साथ ही था। अच्छा, जिस वक्त तीन फायर पुलिस ने यहाँ पर करे तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे आप? हाँ, पुलिस से बात की थी किस जरूर मेरे लड़के को ले जा रहे थे फायर कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा था जी सुबह थाने आ जाना 10 बजे, लड़का मिला ही नहीं करवाई, मुलाकात भी नहीं हुई लड़के, 3 दिन ये कहते जी अगले दिन लड़के को छोड़ देंगे, शाम तक छोड़ देंगे, फिर गए जी हम ऐसे टालते रहे आजकल करते रहे, और फिर उन्होंने मुलाकात भी नहीं करवाई लड़के से हमारे। अच्छा अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं यहाँ की प्रशासन से?
हम ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए ना, नाजायज लड़का पकड़ा है जो हमारा वहाँ पे, जैसे मैं गया था जी वहाँ, उसके बाद में कैंपी रोड से दिखाया, जबकि लड़का मेरा घर से उठाया। अच्छा अच्छा अच्छा। 22 तारीख की रात को लगभग 4 बजे का टाइम था जी, उस टाइम था मैं यही सो रहा था, मैं इसमें सो रहा हूँ झोंपड़ी मम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी इस वक्त थी जिस मैं मौजूद ही यहाँ पर, मैंने धक्का वक्का मारा, जैसे धक्का मारा तो शुरू में मैं ही आई थी यहाँ। अच्छा अच्छा। तो उसने मेरे यहाँ से पकड़ के नूलू धक्का मार दिया। अच्छा। फिर मैं धक्का मार के घाको कर दी, फिर उन्हें कब्जा पड़ गया। जब घर में बड़ा है बाड़ा ने पकड़ के छोरा के यहाँ मार पीट करिए छोरा के दरवाजे में। अच्छा अच्छा। फिर आंगन में ले आए हैं, फिर आंगन में से मारते मारते वहाँ तक ले गए। फिर मैं दोबारा जैसे मैं छूट के भागी हूँ, नुकनी की छोरा मेरे धक्का मार के भाग गए, फिर उन्होंने गाड़ी में पटक दिया छोरा। अच्छा जी अच्छा। आप भी इस वक्त यहीं पर थे? मौजूद था मैं। अच्छा, यहाँ लौट रहा हूँ बरामदे में, छोटे लड़के का मकान है। अच्छा जी। ये बड़ा है मेरा जी जी, ये मेरी घरवाली यहाँ खड़ी है, यहाँ चौधरी सूख रहा जी जी। सर इसने मैंने कहा मैं झड़बाड़ का आपस में लड़ रहे हैं ये जी। जब मैं देख रहे मेरे से पुलिस वाले बोले सूख दे वहीं रहना न गोली मार देंगे, तीन फायर करे या बाग में। अच्छा अच्छा, किस लिए ले गए थे? आखिर कोई वजह भी तो होगी पुलिस वाले जो आपके लड़के को ले गए थे। कोई वजह ही ना है, इसी शादी की वजह छड़ाछड़ी करके। भाई मेरे लड़के ने कोर्ट मैरिज किया है उससे, या मैं रिंजस पड़ोसियों के दुख पैदा है। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।